तो जी नया लोड हो रहा है अब, सामान गीजर है सारे, तो अमन भाई लगे हुए हैं फटाफट। अमन कितने आ जाएंगे? आ जाएंगे 45। 45 ओवरलोडिंग मत करना ठीक है, हाइट हो रही है ज़्यादा। ठीक है हाँ, ध्यान से थोड़ा। तो जी ये सुबह की तैयारी हो रही है, तो साफ साफ डब्बे डालना अमन ठीक है। तो सर सुबह जाना है? हाँ अब सुबह ही जाना पड़ेगा भाई। तो ये टोटल 45 गीजर हैं, ये जाएंगे, जाना कहाँ है होशियारपुर के आगे जाएंगे, तो ये सारा सामान जो है इसी गाड़ी में आने वाला। तो मैडम इनवाइस तैयार है? चलो कितने हो गए मैडम, कितने हो गए अमन? बस अभी 45 में एक पे 4-5 रहेंगे। अच्छा तो यहाँ बाहर तक आएगा ना एक लाइन। तो भाई लोगों गाड़ी हो गई है तैयार फुली लोड, तो गीजर हमने लोड कर लिए, तो हम निकलने वाले हैं जी। अब तो नहीं जाएंगे, अंधेरा होने वाला क्योंकि दाना बहुत दूर है, हम जाएंगे चब्बेवाल। तो सुबह हम इसको निकालेंगे गाड़ी, तो सुबह फिर आपको यात्रा तो जो यात्रा है ना वो स्टार्ट करेंगे इकट्ठे। चले तो ये देखिए जी, ये स्प्रे कर रहे हैं मच्छरों को मारने के लिए। ओहो बड़ा तेज धुआं, ये भी मच्छरों को मारने के लिए इन्होंने स्प्रे किया, पूरी कॉलोनी में स्प्रे कर रहे हैं। पता नहीं इसका कितना असर होता है कि नहीं होता, पर चलो काम तो हो रहा है ना, कॉरपोरेशन कुछ तो सोच ही रही है लोगों का। तो हमने गाड़ी जी लोड कर लिया और अब घर की तरफ जा रहे हैं, इसको रात अपने पास खड़ा करेंगे क्योंकि अभी टाइम जो है वो हो रहा है अभी 6 से ज़्यादा हो गया शाम के, तो क्योंकि 2 घंटे लगेंगे, आराम से 2 घंटे लग जाएंगे क्योंकि फिर वापस भी आना है माल उतारना, तो आज तो नहीं जा पाएंगे। तो गांव में जाना है तो वहां पे शॉप भी जो है ना बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं, तो इसलिए अभी जाना ठीक नहीं है। तो सुबह निकलेंगे हम अर्ली, तो आराम से जाएंगे, ट्रैफिक भी कम मिलेगा, तो टाइम से वापस भी आ जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आगे का भी कुछ और सोचेंगे, आगे कहीं का और कोई लोड अगर मिल गया तो फिर लगा लेंगे एक चक्कर। पैसा जितना बने तो बढ़िया है ना, क्यों नहीं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह हो चुकी है और हम निकल चुके हैं, टाइम लगभग कोई 8:30 का है, तो आज आ रहे हैं जी काफ़ी दूर होशियारपुर के आगे चब्बेवाल पे। आप देख ही रहे हैं सुबह सुबह का टाइम और ट्रैफिक काफ़ी हद तक कम है, तो शहर में निकलने के लिए तो ये बेस्ट टाइम है शहर से अगर बाहर जाना। तो अगर यही 10-11 बजे का टाइम होता तो शायद मैं बहुत ही ट्रैफिक में फंस चुका होता। तो हम निकल चुके हैं बाहर, तो बस आगे आपको बताते हैं कहाँ जाना है। तो जैसा कि आपने देखा कि कल हमने गाड़ी को लोड कर लिया था क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था, तो इसलिए हमने निकलना ठीक नहीं समझा क्योंकि रास्ते में जाते जाते ही अंधेरा हो जाना था और बहुत ही ज़्यादा चांसेस थे कि शॉप भी पहुँचते पहुँचते शायद बंद हो जाती तो डिलीवर कर ही ना पाते, तो आने का तो फिर और भी ज़्यादा लेट था सिस्टम। तो इसलिए हम अवॉइड ही करता हूँ मैं कि रात को लेट जाना, शाम को लेट जाना, खासकर कभी दूर जाना हो तो क्योंकि सेफ थोड़ा सा नहीं है इस लिहाज से भी। तो आज सुबह सुबह निकल गए हैं जी, तो मौसम भी बढ़िया है, अभी गर्मी इतनी हुई नहीं है, तो ये हम क्रॉस किया, हमने जलंधर हमने बाहर निकले हैं तो PAP चौक से आगे आ रहा है रामा मंडी, यहाँ से हम होंगे लेफ्ट, आगे जाके हम शॉर्टकट लेंगे क्योंकि होशियारपुर तक की जो रोड है ना बहुत ही खस्ता हालत है भाई साहब, रोना आ जाता है इतनी खस्ता हालत है ना। तो वो सामने भी आपको दिख रहा होगा साइन आ रहा है होशियारपुर का, तो वहाँ से लेफ्ट होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कौन सा शॉर्टकट आर आपको बताते हैं, जिन लोगों को नहीं भी पता ना
उन लोगों को भी पता चल जाएगा यहाँ भी शॉर्टकट है। चलिए, जो सामने आप ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हो आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से हमने उन्हें लेफ्ट सीधा जो रोड जाता है वो शाहपुर की तरफ से शाहपुर तरफ जाता है। तो बट सड़क का हालात इतने ख़राब है, खस्ता है, तो हमने विचार किया है कि हम यहाँ से राइट होंगे, ये भी शाहपुर की तरफ ही निकलेगा। बट यहाँ से क्या है कि सड़क आपको ना आगे बहुत बढ़िया मिलेगी, तो आप ना गांव के अंदर से जा सकते हैं। तो एक्चुअली ये शॉर्टकट नहीं है प्रॉपर, पड़ता तो उतना ही है, बट यहाँ पे जो रोड है ना आपको वो साफ मिल जाती है। बस थोड़ा सा यहाँ से गांव में से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में थोड़ी सी सड़क ठीक नहीं है, बट इतनी बुरी भी नहीं है। बट आगे जो सड़क है ना, रोड है, वो बहुत ही साफ है, और आप हैं मलाई की तरह, बिल्कुल मलाई की तरह जाएंगे आप। तो चलिए जी, हम उस रोड पे आ चुके हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं कैसे नज़ारे हैं। भाई साहब, जैसे कि आप देख रहे हो, हम गांव के अंदर एंटर हो चुके हैं, गांव वाली रोड पे। तो आसपास जो है हरियाली शुरू हो गई है, वाह जी वाह, क्या ही नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, टाइम कुछ खास नहीं हुआ, तो सुबह जो है ना, आजकल थोड़ा सा मौसम भी जो है ना चेंज हो गया, इतनी गर्मी रही नहीं है सुबह के टाइम भी। गर्मी तो है, मीन्स टेम्परेचर कम है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बट इस समय जो है हल्का सा प्लेजेंट है। तो क्या है कि यहाँ पे सफ़र करने का जो है मज़ा वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो आपको नज़ारे दिखाते जाएंगे, ये सारा गांव का एरिया है, ये कम से कम कोई 8-10 किलोमीटर हम ऐसे ही चलेंगे, और भी छोटी नैरो रोड आएंगी वो भी आपको दिखाऊंगा। आसपास बहुत बढ़िया नज़ारे हैं, तो देखते जाइएगा। तो देखिए भाई साहब, और भी नज़ारे बढ़ गए हैं, जो रोड है और नैरो हो गई है, और ग्रीनरी जो है ना और बढ़ गई है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है जी। खाली खाली सड़कें, ठंडी ठंडी हवा, और कोई देख रहा है ना वो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग लाइक करेंगे मुझे अच्छा लगेगा, और मुझे पता चलेगा कि भाई लोगों को वीडियो जो है पसंद आ रही है। टेक द नेक्स्ट राइट। तो गांव की सड़कों में क्या होता है, ओके जी ओके, तो गांव में जो होता है ना बड़े हिसाब से मोड़ना होता है, छोटे छोटे कट होते हैं, तो अचानक से सामने से कोई टू व्हीलर वगैरह आ जाता है, क्योंकि सुनसान सड़कें हैं, तो किसी वक्त भी, क्योंकि कट में पता नहीं चलता कि अंदर से छोटी छोटी रोड पे से, जैसे ये रोड है, कि कौन बाहर आ जाए, तो इसलिए यहाँ से बहुत ही आराम से चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, जो रोड है वो और नैरो होती जा रही है, तो बढ़िया जी बढ़िया, अच्छा लगता। ओके जी, नेक्स्ट लेफ्ट। तो भाई साहब, ये हम आ चुके हैं जी और इंटीरियर में, तो यहाँ पे रोड की हालत जो है खस्ता है, बड़े आराम से जाना पड़ेगा, जो गाड़ी है लोड भी काफ़ी है, तो आराम आराम से निकलेंगे, आराम आराम से निकलेंगे भाई। तो कंट्री साइड घुमा रहे हैं जी आपको पंजाब का। चलिए, ये देखिए भाई साहब, सड़क के हालात जो है ख़राब है कहीं कहीं पे, अब उम्मीद है कि आगे सब ठीक होगा, क्योंकि सड़क ज़्यादा ख़राब मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि गाड़ी जो है वो लोड की हुई है, और ज़्यादा खड्डे में हम नहीं जाना चाहते। अगर उस साइड जाते ना, जो शाहपुर की तरफ सही सामने सीधी जो सीधी रोड थी शाहपुर की तरफ, उस साइड जाते तो बहुत दिक्कत आती, ये तो कुछ भी नहीं है खड्डे उसके सामने, ये तो आराम से पार कर जाएंगे। वो खड्डे में खड्डा, जैसे ही खड्डा शुरू होता है उसके अंदर एक और खड्डा आ जाता है। तो यहाँ देखिए, 200 meters turn right, निकलना भी थोड़ा सा ना, सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो साइड पे बिल्कुल बिल्कुल साइड पे करनी पड़ती है, किनारे पे। ये आगे जी, आगे एक छोटा सा गांव, इसका तो ये रोड देखिए आप, वाह जी वाह, क्या ही बात है। तो नज़ारे देखते जाइए, और ये देखिए
वाह जी वाह, क्या बात है जी। और ये देखिए यहाँ पे जो राइस है ना, राइस की फसल वो बड़ी हो चुकी है, अब ये पकना शुरू हो जाएगी तो इसको फिर काटेंगे और किसान लोग जो हमारे भाई हैं वो मार्केट में इसको बेचेंगे। ये देखिए सामने आ गया जी ये बड़ी सारी गाड़ी। भाई साहब साइड दे दो भाई साहब, भाई साहब कहाँ से निकले, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है भाई। मुश्किल था भाई, मुश्किल था। और डॉगी डॉगी शाबाश 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 रा। चलिए जी नज़ारे आप देखते जाइए। और ये बॉक्स जो है पीछे पूरा नहीं आया था तो मुझे आगे रखना पड़ा। बहुत बढ़िया जी, शांत जगह होती है ना, ड्राइविंग करने का मजा ही कुछ और होता है। मेन रोड पे ट्रक आगे पीछे पी पा पू चा ची। ये देखिए सामने से आ गई जी एक और गाड़ी। अब ये वाह जी वाह, क्या बात है जी, बढ़िया जी बढ़िया। उसने नीचे ही उतार ली गाड़ी। चलिए जी पानी वानी भर लिया ट्यूबवेल से, बहुत ही ठंडा पानी है, फ्रेश एकदम। तो यही मौज होती है जी गांव की, जगह जगह पे आपको ट्यूबवेल मिल जाते हैं, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। वो देखिए जी वहाँ पे भी आप नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे भी ट्यूबवेल चल रहा है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा। और जूम करके देखें, ये देखिए यहाँ पे भी ट्यूबवेल चल रहा है, ये देखिए वाह। वो देखिए जी सामने गुरुद्वारा साहिब कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए। आ चुके हैं वही शॉर्टकट रास्ते में आप, तो आ चुके हैं जी हम मेन रोड पे। और यहाँ से अब सीधा जाएंगे 31 किलोमीटर आगे से फिर राइट होंगे, फिर देखते हैं उसके आगे। कम से कम हमें पौना घंटा और लगेगा पहुँचते हुए अपने डेस्टिनेशन पर तक। भाई साहब ये देखिए क्या जा रहा है जी, वाह टंकी जा रही है जी, टंकी पानी वाली टंकी, ये कहाँ जा रही है, इधर घर पे जानी थी। अरे ड्राइवर साहब वापस मोड़ो, घर पे छोड़ो पानी वाली टंकी। तो भाई साहब सामान सारा उतार दिया है, वीडियो सॉरी मैं बना नहीं पाया क्योंकि बैटरी हो गई थी डाउन, तो गाड़ी में चार्ज काफ़ी देर तक लगाई रखा, तो अभी थोड़ी सी चार्ज हुई है बैटरी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि बैटरी डाउन हो जाती है, रास्ते में सारा यूज़ करते रहते हैं तो वहाँ जाते जाते बिल्कुल पास जाके बैटरी बिल्कुल बंद हो गई। तो मैं वापसी का अब वीडियो बना रहा हूँ, तो सामान मैंने उतार दिया, आपको पता ही था सामान थे गीज़र जो कि मैं छोड़ने आया था होशियारपुर के पास, चप्पेवाल नाम का एक गांव है, टाउन है, वहाँ पे छोड़ने आया था, तो वहाँ पे उतार दिया। तो अब वापस हम जलंधर को जा रहे हैं, तो वही हमें एक घंटा सवा घंटा यहाँ से लग जाएगा। तो चलिए जी वेलकम टू जलंधर, शहर पहुंच चुके हैं, बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं। तो ये है जी फ्लाईओवर जलंधर बस स्टैंड का। तो भाई साहब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एक वीडियो कैसी लगी, और लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि ऐसी वीडियो और भी बनाऊंगा अगर आपको पसंद आती है। तो मुझे ये है कि हौसला मिल जाता है कि ठीक है जी बनाते रहो आपको पसंद आएगी। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी सजेशन लेनी हो अपने काम के बारे में तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका आंसर करने की। तो ये देखिए भाई साहब फ्लाईओवर के ऊपर आ गए हम, और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट क्योंकि हमने जाना है नीचे वाले सीजन जाना, तो यहाँ से हम होंगे लेफ्ट। तो जाते जाते आपको बस स्टैंड का नज़ारा दिखा देते हैं ऊपर से कैसा दिखता है। ये देखिए भाई साहब यहाँ आ गए हैं, ये सीधी रोड जो जाती है बीएमसी चौक को जाती है, ये देखिए
थिंक आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा, ये सारा बस स्टैंड है जलंधर का। इसका नाम है शहीद ए आज़म भगत सिंह।